परम पूज्य महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद साक्षी महाराज जी जिंदाबाद जिंदाबाद साक्षी महाराज जी जिंदाबाद जिंदाबाद साक्षी महाराज जी जिंदाबाद जिंदाबाद ज्ञापन ले लीजिए एक मिनट ज्ञापन महान मंत्री जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वर्तमान विधायक मनीष अनुरागी जी और चेयरमैन सैफाली जी, तो हम सांसद जी को वही चाहते हैं कि वो लोग महान मंत्री जी को न्याय दें। पर बात क्या कहेंगे आप, ज्ञापन दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने जांच कराई जाएगी, जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर निर्दोष हैं। सांसद महोदय, कल ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक निशाना साधा है भाजपा के ऊपर, जिस पर उन्होंने लिखा है कि भाजपा शासन काल में 3 P है, जिस पर एक पाखंड, प्रताड़ना और प्राण घातक, इस पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव ने लिखा है? शायद वो अखिलेश यादव अपने बारे में कह रहे होंगे, ये सब उनके कार्यकाल में था, इस समय तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। क्या लगता है आपको इस बार सांसद महोदय को किस वजह से क्या ज्ञापन दिया गया? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महेंद्र मंत्री जो हमारे समाज के जाना माना चेहरा है, उन्हें किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, तो उनको जो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, हमारे चेयरमैन जी सरीला के चेयरमैन है जो सैफाली जी और सिटिंग विधायक राठ मनीषा अनुरागी जी, उन्होंने सत्ता पे आके जो महेंद्र मंत्री जी को फंसाया जा रहा है, इसके लिए हम सब ने ज्ञापन दिया है महाराज जी से। हम चाहते हैं कि उनका निष्पक्ष तरीके से उनकी जांच हो। राठ विधानसभा में सबसे ज्यादा लोधी समाज का वोटर है, तो क्या 2022 में इसका जवाब लोधी समाज? उनको जवाब मिलेगा, क्योंकि राठ उन्हीं लोधी ने उनको बनाया था, तो जब वो बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। जो सरीला की चेयरमैन हैं सैफाली जी और वर्तमान राठ विधायक मनीषा अनुरागी जी, इन लोगों ने जो फर्जी मुकदमे महेंद्र मंत्री जी पे लगाए हैं वो सरासर गलत है, और ये घोर अन्याय है लोधी समाज पर, और ये लोधी बहुमूल्य क्षेत्र है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा।